गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है समावेशी शिक्षा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा उन एक क्षमता युक्त बच्चों को शामिल करता है जो देखने, सुनने या फिर चलने फिरने में कठिनाई महसूस करते हैं। समावेशी शिक्षा में उन बच्चों को शामिल किया जाता है जिनको देखने में कुछ प्रॉब्लम हो, सुनने में हो, या वो शारीरिक रूप से उनका कोई अंग कार्यशील न हो, उनका कोई कार्य न करता हो कोई भी अंग शरीर का, या और उन बच्चों को भी शामिल किया जाता है जो स्कूल छोड़ चुके हैं या निकाल दिए गए हैं किसी कारणवश, उनको स्कूल से निकाल दिया गया है या वो अपनी ही मर्जी से स्कूल छोड़ चुके हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंदर ऐसे सभी प्रकार के विद्यार्थियों को, बालकों को इकट्ठा किया जाता है पढ़ाने के लिए। यहाँ ये कहता है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह अधिनियम 2009 में पास हुआ था और इस अधिनियम के तहत ये कहा गया है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य जरूरी है शिक्षा, और वो निःशुल्क बिना किसी पैसे के भी प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशेष प्रकार के बच्चों के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं? बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से। तो बौद्धिक दृष्टि से पहले नंबर पे है जो बुद्धि के अनुसार जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम किस प्रकार से लिए जाते हैं। पहला है प्रतिभाशाली, सेकंड सृजनात्मक, थर्ड अपराधी, फोर्थ मंद बुद्धि, फिफ्थ पिछड़े बाल। और शारीरिक दृष्टि से विकलांग होते हैं, बहरे बालक, कम सुनने वाले, अंधे बालक, दृष्टि दोष से युक्त, वाणी दोष से युक्त, विकलांग बालक। और सामाजिक रूप से समस्यात्मक बालक, जिनके साथ कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है, जो अपने आप को समाज के अनुसार नहीं ढाल पाते। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने विशिष्ट बालकों के प्रकार किए, इनका अच्छे से हम वर्णन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Thanks for watching.